नमस्कार, आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान यात्रा पर। आप देख रहे हो बिदासर शहर जिला चूरू से ये खबर, जिसमें मीडिया के माध्यम से राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत को इस प्रकरण का ध्यान में आया, जिन्होंने तमाम अधिकारियों को मौके पर भेजकर वस्तु स्थिति का पता लगवाया, जिसमें SDM, तहसीलदार, EO सहित सामाजिक सुरक्षा अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित रामलाल नायक के घर पर वस्तु स्थिति का जायजा लिया। पीड़ित रामलाल नायक वार्ड नंबर 19 दुमकर रोड बिदासर शहर जिला चूरू का निवासी है, जो कि गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। पिछले 6-7 वर्षों से वो सीकर जिले के कुदन ग्राम के अंदर अपने परिवार सहित अपना पेट पाल रहा था। कुछ माह, लगभग 6 माह से उसको प्रॉब्लम हो गई थी, तो उन्होंने हार्निया का ऑपरेशन करवाया था। हार्निया का ऑपरेशन करवाने के बाद परिवार से हिला डुला चला फिरा नहीं जा रहा था, जिसके कारण वो एक पलंग पर ही सोता बैठता उठता रहता था, जिसके कारण उसका परिवार है उनकी मजदूरी बंद हो गई और उसकी खाने के नौबत आ गई। पीड़ित परिवार के 5 बच्चे हैं, माँ बाप हैं नहीं, मकान की स्थिति सही नहीं है, खिड़की दरवाजे मकान के हैं नहीं, मकानों में से भी पानी पड़ता है, 4 दीवारी है नहीं, लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए आज क्षेत्र विधायक मनोज जी मेघवाल तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं आला अधिकारियों सहित मौके पर पहुंचकर उनको त्वरित सहायता राशि उपलब्ध करवाई, जिसमें मुख्यमंत्री सहायता कोष से 25,000 रुपये का चेक दिया गया और तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता सहित जिन्होंने इकट्ठे होकर 35,000 की नकद राशि उपलब्ध करवाई गई और तमाम जो उनको सरकारी सुविधाएं हैं उनके लिए उनका आवेदन करवाया गया। उनके आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, स्कूल से जोड़ना, बच्चों को सहायता उपलब्ध करवाना, सारी सेवाएं हैं और तमाम अधिकारियों ने वहां उपलब्ध करवा कर संज्ञान में लाई गई। तो विशेष खबर थी बिदासर शहर जिला चूरू से वार्ड नंबर 19 के पीड़ित रामलाल नायक के घर से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बने रहिएगा इस वीडियो के साथ आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान यात्रा के साथ, जिसमें हम और भी आपको खबर उपलब्ध करवाते रहेंगे। पीड़ित परिवार को सहायता राशि उपलब्ध करवाई गई। क्षेत्र विधायक मनोज जी मेघवाल तमाम अधिकारियों सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं सहित मौके पर पहुंचकर जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हमारे साथ जुड़े हैं क्षेत्र विधायक मनोज जी मेघवाल, हम इनसे जाना जाएंगे पूरे प्रकरण के बारे में। मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंची, संवेदनशील मुख्यमंत्री जी ने तुरंत अपने माता से अधिकारी को निर्देश दिए कि वहां जाके देखो क्या स्थिति है। उसके बाद में SDM साहब और प्रशासन यहां आके देख के गया और जो रिपोर्ट दी, उसके बाद में उन्होंने वहां से जो सरकार मुख्यमंत्री राहत कोष से उससे सहायता भिजवाई, जिसका भी चेक हमने सौंपा है। साथ ही हम आए हुए जितने भी कार्यकर्ता हैं उन्होंने भी अपनी तरफ से योगदान देके और 35,000 रुपये सहायता दिए। इसके अलावा जो मकान है उनका, जिसमें दरवाजे खिड़की और ऊपर से पानी बरसात में आ रहा है, उसकी रिपेयरिंग के लिए भी कार्यकर्ताओं ने कहा है। सचिन जी ने स्वयं कहा कि सारा मैं इस मकान की रिपेयरिंग करा दूंगा। इस तरह से सब लोगों ने मदद की और इसके अलावा ये तत्काल मदद की है, और भी जो मदद है उसका भी भरोसा लिया है कि भी बाकी भी लोगों के बैंक अकाउंट देख के भी जो भी मदद करना चाहिए। और सरकारी स्तर पर जो इनके जनप्रतिनिधि ने इनका जो गेहूं होना है उसके बारे में प्रशासन ने लेकर जल्दी व्यवस्था करेगा, ताकि जो बीमारी की वजह से ये परिवार परेशानी में हो उससे हो सके।
मौके पर उपखंड अधिकारी शिवराम वर्मा, तहसीलदार द्वारका प्रसाद शर्मा, नायब तहसीलदार सुभाष चंद्र छिम्पा, नगर पालिका ईओ हिमांशु अग्रवाल, सामाजिक शिक्षा अधिकारी राजेंद्र कुमार स्वामी, पुलिस प्रशासन, चिकित्सा विभाग से भी कार्मिक उपस्थित रहे। इसी के साथ कांग्रेस पार्टी से वरिष्ठ नेता पूर्व नगर पालिका चेयरमैन मेघराज जी सांखला, नगर कांग्रेस अध्यक्ष जेठाराम यादव, पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष जमार सिंह राठौड़, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष खालिद बल्खी, सलीम बल्खी, पार्षद उमेश शेख, पुसाराम चौहान, युवा नेता गोविंद सोनी, रमेश माली, वार्ड 19 से पार्षद महेंद्र माली, रामजी माली सहित तमाम कार्यकर्ता उपस्थित रहे, वार्ड पार्षद सहित। जय हिंद, जय भारत।